फ्रेंड्स आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में वो कौन सी नौ इंडस्ट्रीज़ हैं जो तेज़ी से डेवलप होंगी और उन्हीं इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री थी एफ की इंडस्ट्री आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर एफ इंडस्ट्री में हम काम करना चाहते हैं उसमें एंटर करना चाहते हैं हमें एक विस्तृत जानकारी चाहिए एफ के बारे में एफ का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है हमें ये पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में हम किस कैटेगरी के प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं और उसका कितना परसेंट मार्केट शेयर है एफ में जो पहली कैटेगरी है वो है फूड एंड बेवरेजेज जिसका फोर्टी मार्केट शेयर है पर्सनल केयर जिसका एटीन मार्केट शेयर है होम केयर जिसका 11 परसेंट मार्केट शेयर है सिगरेट एंड एल्कोहल जिसका 17 परसेंट मार्केट शेयर है एंड ओ ओवर द काउंटर जिसका 5 परसेंट मार्केट शेयर है फ्रेंड्स यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कैटेगरी में कौन कौन सी कंपनी और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं ताकि आप जब बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहें तो आपको पता हो कि किन कंपनीज के साथ आपको डील करना है तो समझते हैं पहली कैटेगरी जो है फूड एंड बेवरेजेस की जिसका 49 परसेंट मार्केट शेयर है इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं फूड एंड बेवरेज में सब कैटेगरी हैं और सब कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी है वो है स्टेपल फूड्स सेकेंड कैटेगरी दैट इज इम्पल्स थर्ड दैट इज नॉन एल्कोहलिक बेवरेजिज एंड द नेक्स्ट अदर फूड्स तो जो स्टेपल फूड्स हैं जिसका 14 परसेंट मार्केट शेयर है उसमें आता है जैसे आटा है दाल है चावल है चीनी है मसाले हैं और अगर कंपनीज और ब्रांड्स की बात करूं तो आईटीसी, अनुपम पतंजलि ऑर्गेनिक इंडिया नेक्स्ट कैटेगरी जिसको हम इम्पल्स फूड कहते हैं वो है एट परसेंट और उसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे आइसक्रीम चॉकलेट चिप्स और बहुत सारी डिफरेंट कंपनी हैं पार्ले अमूल नेस्ले आई पतंजलि एंड द नेक्स्ट नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक कोल्ड ड्रिंक जूसेस एनर्जी ड्रिंक इसमें कंपनीज़ जो आती हैं वो है अमूल कोको कोला आईटीसी टी और बहुत सारी इस तरह की कंपनीज़ और जो अदर कैटेगरी है उसका मार्केट शेयर एटीन परसेंट जिसमें आते हैं फ्रोज़न फूड्स जैम कैचअप और कंपनीज़ की बात करें टॉप्स मैगी किसान आई पतंजलि नेक्स्ट कैटेगरी है वो है होम केयर होम केयर के अंडर आने वाली जो सब कैटेगरीज हैं वो है फैब्रिक सरफेस टॉयलेट इंसेक्टिसाइड एंड एयर क्लीनर अगली जो कैटेगरी है वो है पर्सनल केयर और पर्सनल केयर में आने वाली सब कैटेगरीज हैं हेयर केयर सोप एंड बाथ स्किन केयर औरल केयर एंड बेबी केयर एल्कोहल कैटेगरी में आने वाले प्रोडक्ट और ब्रांड्स हैं आई एम एफ एल के अंडर इंडियन मैनुफैक्चर फॉरन लिकर जैसे रॉयल स्टैक बियर एंड वाइन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बियर एंड वाइन आते हैं ओ टी सी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स एक कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाना चाहती है तो पूरा एक सप्लाई चेन सिस्टम होता है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचने का सेगमेंट है जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है सी एंड एफ कैरी एंड फॉरवर्डर वो व्यक्ति जो एक प्रोडक्ट को कंपनी से लेता है और आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई करना शुरू कर देता है एंड सी एंड एफ भी दो तरह से होता है पहला सी एंड एफ जो होता है वो कंपनी ओन डिपो होता है जहाँ कंपनी सी एंड एफ के रूप में खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है और कई बार इन्वेस्टर्स भी सी एंड एफ का काम करते हैं कैरी फॉरवर्डर जो होता है वो उस प्रोडक्ट को सप्लाई करता है सुपर स्टॉकिस को और सुपर स्टॉकिस से वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पर जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर के सेगमेंट में ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो दो तरह के होते हैं एक कंपनी डिपो जहां कंपनी का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और दूसरा इन्वेस्टर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जहां पर एक व्यक्ति एक अच्छी कैपिटल के साथ अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लेता है और वहाँ से वो प्रोडक्ट ट्रेवल करता है होल के पास और होल से वो प्रोडक्ट जाता है रिटेलर के पास और रिटेलर के हाथ से वो प्रोडक्ट पहुंचता है कंज्यूमर या एंड यूजर के पास अब एक कंपनी मार्केट में डिमांड को जनरेट करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर करती है और साथ ही साथ उसकी एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग पर करती है जिसकी वजह से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है और उस कॉस्ट को कहते हैं मैड कॉस्ट एम ए डी मैड मैड कॉस्ट एम स्टैंड फॉर मार्केटिंग कंपनी बहुत बड़ा बजट अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए मार्केटिंग पर खर्च करती है ए ए स्टैंड फॉर एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर के मन में अपने प्रोडक्ट और अपने ब्रांड की एक छाप बनाने के लिए कंपनी निरंतर एडवर्टीजमेंट करती है विज्ञापन करती है जिससे कंज्यूमर की डिमांड पैदा होती है एंड डी डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अब ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दो तरह से काम करता है एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एक इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में वो मेटेरियल जाता है होल के पास होल से रिटेलर के पास और रिटेलर से कंज्यूमर के पास जबकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर सीधा मैनुफैक्चर से प्रोडक्ट लेते हैं और सप्लाई चेन सिस्टम को तोड़ते हुए अपने एंड यूज़र तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं और बीच की जो मैड कॉस्ट बचती है उस मैड कॉस्ट को उस मैड कॉस्ट का बेनिफिट अपने कंज्यूमर को देते हैं और आज बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस मैड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर और वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उस कंपनी के एंड यूज़र उसके क्लाइंट उसके मेम्बर उसके एसोसिएट आज एफ इंडस्ट्री में अगर आप एक सी एंड एफ़ के रूप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट एक करोड़ से डेढ़ करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करने के बाद ही आप किसी कंपनी के सी एंड एफ बन सकते हैं तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस सिस्टम होता है और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्जिन बहुत छोटा होता है क्योंकि जो भी सेल होती है उसमें बल्क में ट्रांजैक्शन होने पर ही आपको प्रॉफिट होता है और जो दूसरा सेगमेंट है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन थोड़ा सा सी एंड एफ से अधिक होता है लेकिन वहाँ भी इन्वेस्टमेंट 40 से 50 लाख रुपए होती है तब आप किसी प्रोडक्ट को सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन में ला सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे बहुत सारे होलसेलर होते हैं वो उन होल सेलर्स को सारा मेटल सप्लाई करते हैं और उसके बाद वो मटीरियल होलसेलर से रिटेलर तक पहुंच के कंज्यूमर के हाथ में पहुंच जाता है मैंने बहुत सारी कंपनीज को स्टडी किया और देखा कि अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट चैनल के थ्रू सेल करती हैं लेकिन नेस्वेज एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर से मेटेरियल लेकर सीधा वो प्रोडक्ट पिकअप पॉइंट के माध्यम से एंड यूज़र तक पहुंचता है और बीच में मिलने वाला सारा जो प्रॉफिट होता है इंसेंटिव इनकम के रूप में बायर को और परचेज़र को और एसोसिएट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अगर आप एफ इंडस्ट्री से रिलेटेड बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप नेसवेज के साथ एसोसिएट पार्टनर बनके बहुत कम कैपिटल में एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं आप ये बिजनेस बारह हज़ार रुपये से लेकर चार पाँच लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनी के साथ प्रोडक्ट्स में डील करके एक अच्छी इनकम कमाने की फ्रेंड्स अगर आप एफ इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं आपके पास पूंजी कम है आपको नॉलेज कम है आपके पास स्पेस कम है आप बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें वर्कर्स की बहुत बड़ी लाइबिलिटी आपके ऊपर हो तो आप नेस्विज रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एफ इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं आप एज ए कंज्यूमर खुद परचेज कर कर भी एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं आप पिकअप सेंटर लेकर भी एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग नेस्विज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का पिकअप सेंटर लेकर एफ इंडस्ट्री में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं आज पंद्रह लाख ,00 से ज़्यादा कंज्यूमर नेस्विज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से एफ के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो यदि आप एफ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो दिए हुए बोर्ड नंबर पर नेस्विज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की टीम को कांटेक्ट करें मेरा रिक्वेस्ट है हमारी टीम को कॉल ना करें बोर्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें यहीं आपको नेसविस के पिकअप सेंटर से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनरे भविष्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत